ये लोग बार बार कह रहे हैं कि एक मस्जिद खो दिया दूसरी नहीं खोएंगे दूसरा खोने के बाद कहेंगे दो खो दिया तीसरी नहीं खोएंगे और वो दोनों अभी भी मस्जिद है ऐसे दस बीस हजार खोना पड़ जाएगा और फिर कहेंगे दस बीस हजार तो खो दिया अब दस बीस हजार प्लस वन नहीं खोने देंगे और वो सारे के सारे अभी भी मस्जिद हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्यूष आप देखते क्वेश्चन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सब हर हर महादेव करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें कमेंट में बताएं कि आपको आगे किस मुद्दे पे वीडियो देखनी है अगर आपको मेरी बात सही लगती है आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए दूर तक पहुंचाइए और अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी हुई हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में मथुरा कोर्ट एक बहुत ही स्पेशल बात कही है महत्वपूर्ण बात कही जिसको आप खुश हो जाएगा दिल और खुश हो जाए तो शेयर करिएगा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा कोर्ट रूल्स दैट प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सूट सीकिंग रिमूवल ऑफ शाही ईदगाह जो सूट किया गया है शाही ईदगाह को हटाने का उसके बीच में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है ठीक शायद ये अच्छी बात है सबके लिए अब ये एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और ओसी इसको बेसिक स्ट्रक्चर बता बता के क्यों परेशान है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इसको देखना बहुत जरूरी है जो इनके पीछे इनके दिमाग में जो चल रहा है ना वो इंटेंशन आपको बताना चाहता हूँ अब आप सीक्वेंस को समझने की कोशिश करिए ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कुल समरी ये है कि इनका ये कहना मुस्लिमों का पॉइंट ऑफ व्यू जो निकालते हैं वर्शिप एक्ट से कि भाई एक्ट कहता है कि 1947 में जो स्ट्रक्चर रिलीजियस स्ट्रक्चर उसका कैरेक्टर जो जैसा था वैसा रहेगा और उसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते चेंज करने के लिए तो तो हिंदुओं के साथ तो गलत हो ही गया कि हमारे कल्चर को कोई डिस्ट्रॉय कर दे और फिर हम वही मानने पे मजबूर हो जाए क्योंकि कानून ऐसा बन गया है मुस्लिम पक्ष लगभग ये एक्सेप्ट कर चुका है कि सबूतों के बिना पे सब कुछ देखते हुए भले वो मंदिर मंदिर है भले वो ज्ञानव्यापी मंदिर है भले वो मथुरा मंदिर है सब कुछ मंदिर है मस्जिद नहीं लेकिन क्योंकि ये एक्ट कहता है कि जो जैसा उस वक्त था और वैसा आज तक होता रहेगा हम वही मानेंगे वही होना चाहिए हम तुम्हें नहीं देंगे और इस पर बात भी नहीं होनी चाहिए कोर्ट में इनका स्टैंड सिर्फ इतना सा है मतलब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये नहीं चाहते ये दादागिरी है मतलब ये दादागिरी है किसी एक्ट का हवाला लेते हुए हम चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमारा है जैसा क तैसा रहे हम नहीं देना चाहते और ये लोग खुद को कॉन्स्टिट्यूशन का मानने वाला और बहुत बड़ा सेकुलर वादी कहते हैं कि हम बहुत बड़े सेकुलर हैं हम ही सेकुलर थर्ड बचा के रखें हिंदू तो नफरत फैला रहा है अब इनका यहीं पाखंड में एक्सपोज करना चाहता हूँ ये फार्म लॉ नहीं मानना चाहते ये सी ए एन आर सी नहीं मानना चाहते ये एन पी आर नहीं होना देना चाहते ये तीन सौ सत्तर पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उसको नहीं होने देना चाहते ये शाहीन बाग खड़ा कर देते हैं ये हर वो चीज़ नहीं मानना चाहते जो भारत के पक्ष में है जो बहुत बड़ी जनता के पक्ष में है जो पार्लियामेंट से होके गया है पास हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि में मंदिर बनेगा उसको ये नहीं मानना चाहते अब जो एक्ट एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के फेथ के अगेंस्ट जा रहा है उनको तकलीफ़ दे रहा है हिस्टोरिकल बेसिस पे जो चीज़ें सही होनी चाहिए उसको सही नहीं होने दे रहा है और यहाँ पे इनको मौका मिला है कि हम भाईचारा सेकुलरिज्म सब कुछ दिखाएं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी चलें पर यहाँ ये अड़े हुए हैं कि इस पर बात तक ना हो ठीक ये इनका पाखंड है इसके अलावा कोई तर्क है तो ये बता दें क्योंकि ये दलील ये दस जगह दे चुके हैं कि उस वक्त जो था वो था अब मस्जिद बन गई है तो मस्जिद ही रहेगी तो ऐसे तो सेकुलरिज्म नहीं निभेगा एक हाथ से ताली नहीं बजेगी ये क्लियर कट ओपिनियन और क्लियर कट मेरा जवाब है अब क्योंकि मथुरा वाले केस में कह दिया गया कि एप्लीकेबल नहीं है सरकार से सब मांग कर रहे हैं भाजपा के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार कह दिया है मोदी को कि भैया आप पार्लियामेंट से इस एक्ट को हटाइए कोर्ट में इस एक्ट के अगेंस्ट याचिकाएं हैं कि इसको इनवैलिड करार कर दिया जाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए इसको हटा दिया जाए ये आड़े आ रहा है क्योंकि जब तक ये एक्ट है मुस्लिम पक्ष ओवैसी सब इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि हम दूसरी मस्जिद नहीं खोने वाले अब मैं कह रहा हूँ कि अब इसके आगे क्या होने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है सीक्वेंस में क्या होगा या तो ये एक्ट हटेगा या तो इस एक्ट से लूप होल निकलेगा और मंदिर बनेंगे किन्हीं ना किन्हीं तरीक़ों से मंदिर बनेंगे और वहाँ से मस्जिदें हटेंगी ये मेरा ओपिनियन है प्रडिक्शन है होना यही चाहिए इस लड़ाई में एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि मुसलमान कहीं से भी सेकुलर नहीं है ये जानते हुए भी कि वो हिंदू मंदिर है वो पूरी की पूरी दीवार सबको सामने दिख रही है मतलब सूरज को देख रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि अंधेरा है इस हद तक की बात है नहीं देना चाहते तो सेकुलरिज्म तो नहीं है इस देश में उन्हें जाना है पाकिस्तान तो चले जाए क्योंकि सेकुलर कंट्री है और आप सेकुलरिज्म नहीं निभा रहे हैं जिस हेट 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 का ये लोग नारा लगा रहे हैं कि ये मामला खुल जाने से हेट हो रही हेट हो रही भाजपा हेट स्प्रेड कर रही है आपका प्यार से गिव अप ना करना आपका हिंदुओं को उनका हक ना देने देना ये हेट स्प्रेड कर रहा है तो इससे रियलिटी और आप एक्सपोज हो रहे हैं और हेट ऐसे फैल रही है ये लोग बार बार कह रहे हैं कि एक मस्जिद खो दिया दूसरी नहीं खोएंगे दूसरा खोने के बाद कहेंगे दो खो दिया तीसरी नहीं खोएंगे और वो दोनों अभी भी मस्जिद है ऐसे दस बीस हज़ार खोना पड़ जाएगा और फिर कहेंगे दस बीस हज़ार तो खो दिया अब दस बीस हज़ार प्लस वन नहीं खोने देंगे और वो सारे के सारे अभी भी मस्जिद हैं ऐसे करते करते जितने अभी हमारे एंशेंट मंदिर हैं सौ साल दो साल पुराने जितने भी अगर उनके ऊपर मस्जिद है हम उसको क्लेम करेंगे ये एक्ट भी हटेगा भविष्य में और वो सारे मंदिर हम वापस लेंगे इसकी शुरुआत हो चुकी है सोएब जो मैंने सही कहा पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है ये ख़त्म नहीं होगा जब तक हम अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम नहीं कर लेते अपने कल्चर को रिक्लेम नहीं कर सकते ये मैं खुल के कह रहा हूँ आज कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कोई अपीजमेंट नहीं कोई रिलीजन ऑफ पीस नहीं कोई प्यार भरी बातें नहीं जो हमारा है वो हम ले कर रहेंगे उसके लिए कोर्ट की मदद ही लेंगे हम ये नहीं कह रहे हैं हम कोर्ट से लेंगे लेकिन उस एग्रेशन में लेंगे कि तुम्हारी बेतुकी बातों को एंटरटेन नहीं करेंगे और इसी बीच ऐसे अन्य चेहरे सामने आए हिंदुओं में से जो खुद को दलित कहते हैं और मुसलमानों में से जो खुद को समाजवादी भी कहते हैं और कुछ लिबरल पत्रकार और सेकुलर मीडिया वाले जो इस हद तक शिवलिंग के पाए जाने का मजाक उड़ा रहे हैं और उसको ह्यूमन बॉडी पार्ट से रिलेट करने में ह्यूमिलिएट करने में कोई कसर नहीं कोई छोड़ रहा है लेकिन वो भूल रहे हैं कि अगर हम ऐसी फ़ोटोज़ दिखाने लग जाएँ उनके काबा और इन सब चीज़ों के ऊपर और ये कहने लग जाएँ कि इसकी शेप क्या है और उसको वहाँ जाके मुसलमान घेरा क्यों लगाता है उसको चाटता क्यों है अगर हम ये सवाल उठा दें और इसकी पूरी पूरी वीडियोज हैं फिर किस हद हाँ तक की होगी तुमको? जब सह नहीं सकते तो नफरत फैलाओ भी मत नफरत करो भी मत खैर वीडियो में इतना है मैं जाता हूं। उसको अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए जो भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बताइए किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा फिर मिलते हैं अगले रुमज मात्र और शेयर पाँच हजार लौटे दिख जाना चाहिए